शैतान अदृश्य है, जादुई आंख का इस्तेमाल करो। सब कुछ बर्बाद कर दिया है, हमें उसे खत्म करना ही होगा। बिल्कुल, तुम जाओ, यहां मैं संभालता हूं। उसके पैर
आज से पहले कोई शैतान इस जगह के इतना करीब नहीं आया है। मोर्डो, ये जानकर तुम्हें फिक्र नहीं हो रही? वो प्राणी अब जिंदा नहीं। फिक्र करने का काम तुम करो। हाँ? ये क्या था? उसने हमें देखा क्या? हाँ, तुम्हारे जादू के बावजूद ऐसा लगता तो है। डॉक्टर स्ट्रेंज, रुकिए। डॉक्टर, डॉक्टर स्ट्रेंज, यहां बहुत गड़बड़ी फैली हुई है, बहुत गड़बड़ी। मैं आपके फोन की बैटरी चेक करता हूं, मैंने आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस छोड़े थे। खैर कोई बात नहीं सर, इसमें से कुछ फाइल्स पढ़ लीजिए, बस 5 मिनट लगेंगे। मैं यहां सिर्फ राउंड पर आया हूं कोरी। मिस लुटेंजी, इन्हें है स्पीच डिसऑर्डर, माइग्रेन और फेशियल पैरालिसिस। इन्हें थर्ड क्लिनिक ने रिफर किया है। इंश्योरेंस है? वो तो सर, वो तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और उनकी इनकम? बहुत ही कम, मेरा मतलब है, लेकिन कोरी तुमने इन केसेस की जांच तो की है ना? हाँ, पर कोई मेडिकल जर्नल मिस लुटेंजी की केस लेगा? नहीं, लेकिन मैं भी नहीं लूंगा। लगता है तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। स्टीवन, जब मैंने कोरी की हालत देखी मैं समझ गया कि तुम आ गए हो। ओलिवर, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम यहाँ आओगे। प्लीज बैठो ना, काम कैसा चल रहा है? हालत बहुत खराब है दोस्त। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सच। ठीक है, तुम तो जानते हो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मेरा काम है ये देखना कि हॉस्पिटल ठीक से फंक्शन करता रहे, और मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता है जब मेरे सीनियर स्टाफ के लोग एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। और लोग तुम्हारा गला दबाना चाहते हैं स्ट्रेंज, खासकर डॉक्टर एटवाटर। वो फिर से मुझे मिलने आई थी। उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, वो तो है, और वो सब तुमसे रिलेटेड है। देखो, मुझे पता है तुम दोनों किसी वक्त में बहुत करीब हुआ करते थे। ओलिवर, उस चीज का इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, पर उसने तुम्हें कंसल्टेशन के लिए कोमा वार्ड में बुलाया है। तुम उसकी बात नहीं सुनोगे, फिर वो मुझसे शिकायत करेगी और मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा। प्लीज स्टीवन, ये लुका छिपी का खेल बंद करो। ओके, वादा करता हूं मैं जल्दी उससे मिलने जाऊंगा। वो अभी तुम्हारा इंतजार कर रही है। परफेक्ट। यकीन नहीं होता महान डॉक्टर स्ट्रेंज अपने महल से उतरकर हम गरीबों के इलाके में क्या कर रहे हैं। गलती सबसे होती है। वैसे भी ये हॉस्पिटल मुझे आम केसेस सुलझाने के पैसे नहीं देता।
जब तुम्हें सुबह की कॉफी नहीं मिलती है तो तुम ऐसे ही चिड़चिड़े हो जाते हो। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ जीना, अनोखे मरीजों से पहचान मिलती है और पहचान से आता है पैसा, और पैसा वेलहेवन के दरवाजे खुले रखता है। तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। स्टीवन, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें जरा भी परवाह नहीं? परवाह वो आराम है जिसे मैं नहीं खरीद सकता। मेरे पास वही केसेस आते हैं जो नाउम्मीद हैं। जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी जरूरत है। मरीज का नाम है कमील। जीना, ये 12 साल की है। जानती हूँ कि तुम बच्चों का इलाज नहीं करते, पर ये खास केस है। मिसेस करांजा, ये डॉक्टर स्ट्रेंज है, दुनिया के बेहतरीन न्यूरोसर्जन्स में से एक और दिमाग की बीमारियों के स्पेशलिस्ट। इनी होलेन डॉक्टर स्ट्रेंज, विश्व शेरा सब थे के भालो एक न्यूरोसर्जन। मुझे बताओ, बेहोश होने से पहले इसे क्या हो रहा था? बुरे सपने आ रहे थे। सुनकर दुख हुआ, पर मैं सपनों को नहीं पढ़ता। स्टीवन, प्लीज। जीना, ये मेरे औजार हैं। इसे सर्जन की नहीं साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। सिर्फ बुरे सपने ही नहीं, इसके दिमाग में भी प्रॉब्लम है। देखो, ये ठीक 7 दिन पहले लिया गया था। एक ब्लड क्लॉट। बिल्कुल, और ये आज सुबह लिया गया था। देखो, एक हफ्ते में 8 और हो गए। ऐसा केस तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं देख चुकी हूँ। इनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। कमील, कमील, मुझे सुन सकती हो? इसके सपने, इसने क्या देखा था? क्या? इसके सपने, उनमें ये क्या देखती है? एक चेहरा, इसे हमेशा एक जलता हुआ चेहरा दिखाई देता था। तो बस हो गया? अजीबो गरीब तरह से कोमा में चले गए बच्चे डॉक्टर स्ट्रेंज का इलाज पाने के लायक नहीं होते? यहाँ के लोग तुम्हें कितना मानते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। अब तुम्हें इनके लिए कुछ करना होगा। सुनन बाबू, थेमे जाओ, जेओ ना, आमार बच्चार मदद करो। माफ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। लिपस्टिक? मेरी छोटी बहन ने लिपस्टिक लगानी कब से शुरू कर दी? वापस दो उसे, अभी वापस करो। ओ प्लीज, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। दूर हटो मुझसे। अब मान भी जाओ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ओ, 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 अरे ओ, 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 एप्रिल, तुम ठीक तो हो?
स्टीवन, लो पानी पी लो। वो बच्चे क्या, वो जो सड़क के बीच खड़े थे, मैंने उन्हें मारा तो नहीं? स्टीवन, वहाँ कोई बच्चे नहीं थे। गवाहों के मुताबिक तुमने कार का कंट्रोल खो दिया था। नहीं, मैंने उन्हें देखा था। तुम 3 दिनों से बेहोश हो, शायद तुम अब भी कंफ्यूज फील कर रहे हो। उम्मीद है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। 3 दिन? ये क्या हुआ? मुझे अपना चार्ट देखना है। लेकिन मुझे लगता है कि... दिखाओ मुझे, मैंने कहा ना दिखाओ। सुनो स्टीवन, मेडिसिन की दुनिया में सर्जरी करना दूर की बात है। फिर भी तुम एक डॉक्टर ही रहोगे। लोगों को ठीक करने के लिए तुम्हें सर्जरी की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, है ना? स्टीवन प्लीज, चली जाओ यहां से। माफ कीजिए डॉक्टर जीना, इमरजेंसी वार्ड में आ जाइए। आई रिपीट, डॉक्टर जीना। आपको ठीक देखकर अच्छा लगा डॉक्टर स्ट्रेंज। अगर आप कहें तो मैं आपके घर का दरवाजा खोल दूं। नहीं, ये लीजिए सर, कुछ और चाहिए तो मुझे बुला लीजिए। तो होगा, पैसा लेने के लिए हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता है स्टीवन, पर इसका यह मतलब नहीं कि उनमें तुम्हारे हाथ ठीक करने की काबिलियत है। मैं खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो कितना भी महंगा हो या चाहे मैं उसका पहला एक्सपेरिमेंट हूँ। मुझे बस उम्मीद चाहिए, प्लीज मदद करो मेरी। ठीक है, मैंने बर्लिन के एक डॉक्टर के बारे में सुना है। तुम वहां से क्यों नहीं शुरू करते? ये इलाज बहुत महंगा है। हम 6 हफ्ते बाद तुमसे मिल सकते हैं। माफ कीजिए, आपके हाथों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक स्पेशलिस्ट है जो बहुत अच्छे हैं, पर वो काफी महंगे हैं। आपको अपना बिल भरना ही होगा सर, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। माफ कीजिए डॉक्टर, पर आपका चेक बाउंस हो गया है। माफ कीजिए सर, ओलिवर तो बाहर गए हुए हैं, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगी, वो आते ही आपको कॉल करेंगे। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर सकते थे, आपके हाथों को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब हमने उम्मीद माफ दी है,
अब और कोई उम्मीद नहीं, अब और कोई उम्मीद नहीं है। सॉरी, हम और कुछ नहीं कर सकते, हम अब और कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज, कौन है वहां? मैं वॉन्ग हूं डॉक्टर स्ट्रेंज। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं आपके बारे में काफी कुछ जानता हूं। आपके साथ जो भी हुआ है और आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद मत खोइए डॉक्टर स्ट्रेंज। एक नई उम्मीद आपके सामने है। कहां? तिब्बत में। तिब्बत? पर मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है और ये तुम्हें वहां का रास्ता दिखाएगा। पर आप मेरी मदद क्यों? जीना, रुको, जीना, डरो मत। स्टीवन, तुम ठीक तो हो? माफ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। क्या चाहते हो? मुझे तिब्बत जाना है। पर तुम ऐसा क्यों कर? प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं। ठीक है, बताओ क्या चाहते हो। जब एक सफर खत्म हो जाता है तब दूसरा शुरू हो जाता है। इस तरफ से ज्यादा दूर नहीं है। हम कहां जा रहे हैं? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। ये कौन है? महान मास्टर। और कितनी देर इंतजार करना होगा? धीरज रखो, सॉर्सरर सुप्रीम से बात करने का मौका इतनी आसानी से नहीं मिलता। प्लीज, मैं बहुत दूर से आया। पीछे हटो।
मुझे वो इलाज चाहिए जिसका वादा किया गया था। शरीर के घाव सिर्फ तभी भरे जा सकते हैं जब रूह के घाव भरे जा चुके हों। स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो क्या यही है आपका इलाज? इन्होंने कहा था कि आप मेरे हाथ ठीक कर सकते हैं। जिस इलाज की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे अंदर ही है। मैं कुछ समझा नहीं। तो फिर तुमने ये सफर यूं ही किया? रुकिए, प्लीज, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो? हाँ। तो फिर तुम रुक सकते हो। शुक्रिया। आओ। लेकिन इस कमरे में मैं सोऊंगा कहां? यहां जमीन पर? आराम एक सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य जो कमाना पड़ता है। तुम कल सुबह से अपना काम शुरू करोगे। काफी घबराई हुई लगती हो। मैंने आज तक उन जीवों का सामना नहीं किया। घबराओ मत, उन काले सायों में डरने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने खुद कितनों को मारा है। क्या हुआ है? काले साय, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। ओ, फिर तुम्हारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? वो दिन भूल गए जब मैं तुम्हें संभालता था मोडो, तब भी अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा लेता था। रोशनी में ही रहो, यही वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। मुझे वो कहीं दिख नहीं रहे। वो अंधेरे में वार करते हैं और मिलकर वार करते हैं। पर उन्हें यहाँ कैसे बुलाएं? ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। चल जाओ। हिम्मत है तो सामने आओ। वो रहे तो आ जाओ। ये क्या कर रहे हैं? सबको इकट्ठा कर रहे हैं। हमें इंतजार करना होगा, जैसे ही उनकी सांस की बदबू आए हमला कर देना। तैयार हो जाओ। वोंग, माफ कीजिए, मुझे आज सुबह काम शुरू करने को कहा गया था। तो फिर शुरू हो जाओ। आप चाहते हैं मैं फर्श साफ करूं? मैं भी कर सकता था पर मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं ब्रश को पकड़ूंगा कैसे? वो तुम्हारे और ब्रश के बीच का मामला है।
बाकी लोग कहाँ हैं? वो सब पूरी हिम्मत से लड़े पर हम हार गए महान मास्टर। उन जीवों की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो अपने मास्टर के इंतजार में और डॉर्मामू का असर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने गेटवे देखा है, डार्क डायमेंशन अभी भी बंद है। अभी तक पृथ्वी पर आया नहीं है। हाँ, पर मुझे डर है वो ऐसा कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। बिना सर्जरी के वो जिंदा नहीं रह पाएगी। और ये भी उम्मीद नहीं कि सर्जरी के बाद वो जिंदा रहेगी या नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, वो सिर्फ उम्मीद के भरोसे जिंदा है और मैं आपको वो छीनने की इजाजत नहीं दूंगा। क्या कहा उन्होंने? भूल जाओ उन्हें, वो तुम्हारे लिए सही डॉक्टर नहीं है। पिछले 3 डॉक्टर्स के बारे में भी यही कहा था। मेरी बात सुनो अप्रैल, हम 6 महीने इंतजार करेंगे और तब तक मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर हम मिलकर इस बीमारी को दूर करेंगे। क्या तुम मेरे डॉक्टर बनोगे? ओ नहीं, अब तो मैं बच ही नहीं सकती। मेरा बिल भरना मत भूलना। पता नहीं क्यों आपको लगता है इससे मेरा फायदा हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। मेरे हाथ, इनकी हालत बिगड़ रही है। प्रगति को इन ईंटों से नहीं नापा जाता है। तो फिर क्या है ये दीवार जो आप बार बार बनाते रहते हैं? प्लीज मुझे बता दीजिए, मेरे हाथ कब ठीक होंगे? ये तुम्हारे हाथों के बारे में है ही नहीं और ना कभी था। मेरी बात सुनिए, मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे अपने हाथों की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरे यहां रुकने की कोई वजह नहीं है। जाने दो उसे। पर महान मास्टर, वो बच नहीं पाएगा। ये उसका फैसला है और उसे ही वापसी का रास्ता ढूंढकर यहां तक पहुंचना होगा। अप्रैल, उम्मीद है अब तुम काफी रिलैक्स महसूस कर रही हो। मुझे डर नहीं लग रहा। डरना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं कैसी लग रही हूँ?
थोड़ी लिपस्टिक की कमी है। ओके, हम तैयार हैं। जब तुम उठोगी तो तुम्हें थोड़े चक्कर आएंगे, पर तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मुझे डर लग रहा है। अप्रैल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। प्यार, हार, दर्द, ये दीवार के वो पत्थर हैं जो तुम्हारा रास्ता रोक रहे हैं। क्या तुम सच में यहाँ? उस दीवार की असलियत देखो, फिर उसे तोड़ना आसान होगा। सच का सामना करो। कैसा सच? यही कि तुम्हारी बहन को बचाना मुमकिन नहीं था। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसने मेरे टेबल पर दम तोड़ा, उसने मुझ पर भरोसा किया था। तुम्हारे पास बीमारी ठीक करने की ताकत है, पर सारी जिंदगियों की किस्मत में बचना नहीं लिखा होता। तुम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं ये बात नहीं मानता। इसी चीज ने तुम्हें इस जगह से बांध रखा है। सच्चाई को स्वीकार करो, अपनी जंजीरों को तोड़ डालो। तुम दीवार के बिल्कुल करीब खड़े हो, तुम्हारी अगली चाल क्या होगी? आपने उसकी मदद की? बस थोड़ी सी। वो तैयार है। क्या बात है? आपको क्या दिख रहा है? तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों अलग अलग दिशाओं से हमला करने वाले हैं। मैं दलों को इकट्ठा करता हूं। नहीं मोडो, तुम्हारे पास इतनी ताकत भी नहीं कि तुम उनमें से एक को भी रोक पाओ। पहले सबसे करीबी खतरे का सामना करो। पर मास्टर, हम काफी ताकतवर हैं और दोनों तरफ से उनसे निपट सकते हैं। तुम जो भी मान लो, पर करोगे वही जो हम हुक्म देंगे। अब हम यहां से दो दलों में बट जाएंगे। स्टीवन, हार नहीं मानी, बस आराम कर रहा था। ये दिन ब दिन और मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल उतनी ही बड़ी होती है जितना तुम बनाते हो। वैसे ग्रेविटी और इन पत्थरों के भारी वजन का भी इसमें काफी बड़ा हाथ है।
तुम इन पत्थरों को भारी समझते हो, इसीलिए वो भारी लगते हैं, पर कुछ लोगों के लिए वजन कोई मायने नहीं रखता। देखो, आप ये कैसे कर सकते हैं? बस नामुमकिन को स्वीकार करके फिर से रस्सी खींचो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे, तुमने सोचा कि ये बिना वजन का है, इसीलिए ये हल्का हो गया। मैटर एनर्जी हमारे चारों तरफ है। जादू में हम बस उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हवा से हथियार बनाना। तो बताओ, क्या ये असली है? लगता तो नहीं है। इस बार तुमने इसे असली माना। अपने हाथों के आसपास की ताकत को काबू करो, सारी हदें अपने आप मिट जाएंगी। वो दीवार कहां चली गई? तुम्हारे मन ने उसे खड़ा कर रखा था, पर अब तुमने नामुमकिन को स्वीकार करना सीख लिया है, तो दीवार तुम्हारे रास्ते से हट गई है। अब वक्त है ये देखने का कि उस दीवार के आगे क्या है। चमारा, इसे काबू करने के लिए कोई मंत्र इस्तेमाल करो। मोर्डो, इन्हें मंत्रों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें रास्ते से हट जाने को कहो। नहीं, वो सामना कर लेंगे। कुछ देर में हो जाऊंगा। कितनी मासूम जाने गई, और हमारे चार साथी, हमारे भाई, हमारी बहनें, उनके शरीर तुम्हारे पैरों में पड़े हैं। माधो, हम जीत गए। हमने उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया। मुझे किसी बात का दुख नहीं। तुम
तुम हमारा मकसद भूल गए हो मोटो। तुम्हें सिर्फ युद्ध की परवाह है, पर हम रक्षक हैं मोटो, भक्षक नहीं। अगर हम युद्ध लड़ रहे हैं तो शायद एक योद्धा को सबका लीडर होना चाहिए। मोडो, तुम्हें लगता है तुम हमारी जगह ले सकते हो? आप बीमार हैं, आपका आखिरी वक्त करीब है। डरमामू भी ये बात जानता है और इसलिए उसने अभी हमला करने का फैसला किया है। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, पर सॉर्सरर सुप्रीम की पदवी कभी तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। अगर इस बात पर कभी सवाल जवाब हुए भी तो तुम्हारे हाल के बर्ताव ने उस फैसले को सही साबित किया है। आप उसे किसी और को दे देंगे? किसे? मुझे जानने का पूरा हक है। जिसे इसका कोई लालच नहीं है। तो फिर मेरा यहाँ क्या काम? उसे ट्रेन करने का। जैसा आपका हुक्म। आज जो भी हुआ उसमें मेरी भी गलती थी, मैं माफी मांगता हूँ महान मास्टर। तुम्हें भटका दिया गया था बेटे। जहाँ तक मोडो का सवाल है उस पर हमें नजर रखनी होगी। आज तक कभी ब्लेड भी पकड़ी है क्या? जिंदगियां बचाने के लिए, हाँ, उन्हें लेने के लिए नहीं। माफ करना मोडो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब तो तुम गए। बहुत हो मोडो। तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें इसे ट्रेन करना है, इसको मारना नहीं है। ऐसे सॉर्सरर सुप्रीम का क्या फायदा जो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता? क्या कहना चाहता है ये? अभी जानना जरूरी नहीं है, जरूरी है वो जो तुमने अभी अभी कर दिखाया है। क्या किया है मैंने? उसे गुस्सा दिलाया है? नहीं, वो तो आसान है। मुश्किल है तुम्हारी काबिलियत, जिसके जरिए तुमने मोडो की ताकत को अपना लिया और फिर उसी ताकत से उस पर वार किया। एक ऐसा अनोखा तोहफा जो बहुत कम लोगों को दिया जाता है। मोल्डो को यह बात पसंद नहीं आई, इसीलिए आज से तुम्हारी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मेरी होगी। ये तो मेरे लिए खुशखबरी है। Yeah!
वोंग, ये सब क्या हो रहा है? शहर पहुंचने पर महान मास्टर सब कुछ समझा देंगे। शहर में? पर हम वहां पहुंचेंगे कैसे? ये सब क्या था? हम पहुंच गए इतनी जल्दी? तुमने मुझसे इतना मुश्किल सफर तय करवाया जबकि तुम्हारे पास ये शॉर्टकट था। अब तक तुम इस दरवाजे को पार नहीं कर पाते, चलो अभी बहुत कुछ देखना है। पृथ्वी पर हमारी ये जगह बहुत सारे लोगों द्वारा बांटी जाती है जिसमें दूसरी दुनिया भी शामिल है। हमें उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन में मौजूद होते हैं, पर हर डायमेंशन का एक दरवाजा होता है, ऐसा दरवाजा जो सिर्फ यहाँ खुलता है, इस पवित्र जगह। इसे नेक्सस कहते हैं। ये सारे डायमेंशंस का केंद्र है और जादूगरों के तौर पर उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। किससे? डॉर्मामो से। शैतानी जादू का इस्तेमाल करता है और अंधेरे डायमेंशन को अपने काबू में रखता है, ऐसी दुनिया जिसे उसने अपने शैतानी तरीकों से बर्बाद कर डाला है। बहुत वक्त पहले डॉर्मामू ने अपने जीवों के साथ वो सरहद पार कर ली थी और नेक्सस पर कब्जा जमा लिया था जिससे उसने सारे डायमेंशंस पर काबू कर लिया था। और आपने उसे रोक दिया? हमने नहीं, महान मास्टर ने। उन्होंने डॉर्मामू को उसकी दुनिया में खदेड़कर दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और उसके जीव? एक को छोड़कर हमने सभी को खत्म कर दिया। विंग मॉग, वो तभी जागेगा जब उसके मास्टर इस दुनिया में वापस लौटेंगे। इस वक्त वो कहाँ है? शहर की तरफ बढ़ रहा है। पर आपको पूरा यकीन है कि डॉर्मामू दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, पर जीवों पर उसका बहुत ज्यादा असर है। वो किसी न किसी तरह से तो आ ही रहा है। से दूर हट जाओ स्टीवन। पर अगर सारे जवाब यही है तो वो क्या था? डॉर्मामू। मैंने ये चेहरा पहले देखा हुआ है। क्या कहा तुमने? कहा? हमारे हॉस्पिटल में एक बच्ची की जांच करते वक्त। वो दरअसल कोमा में थी और तब उसने जो देखा वो मैंने भी देखा। एक बच्ची? हाँ, पर वो अकेली ही वैसी नहीं थी। बहुत से बच्चे थे जिन्हें उसी चेहरे के बुरे सपने आ रहे थे। हाँ, वही तो जवाब है। सपनों में एक बच्चे का मासूम दिमाग कभी कभी दूसरे डायमेंशंस की हदों को भी पार कर लेता है और डॉर्मामू ने उन्हीं हदों को पार करने का तरीका ढूंढ निकाला है। पर महान मास्टर, इसका क्या मतलब है? वो जितनी ज्यादा हदें पार करेगा हमारी दुनिया के उतने करीब आता जाएगा उनकी दिमाग की खिड़कियों के जरिए। अब एक ही रास्ता है, इसके पहले कि वो यहाँ पहुँचे हमें उन बच्चों को खत्म कर देना होगा। नहीं मोर्डो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? रुको, अगर मैंने उन्हें जगा दिया तो क्या होगा? तब तो उनकी दिमाग की खिड़कियाँ बंद हो जाएंगी। जाओ कोशिश करो, हम पीछे रहकर पवित्र जगह की रक्षा करते हैं। मैं उसके साथ जाता हूँ, ऐसे कामों में एक योद्धा की जरूरत होती है। ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है।
स्टीवन, बीमार बच्चे 3 गुना बढ़ गए हैं। ये क्या कर रहे हो? दूसरे हॉस्पिटल्स चेक कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं ये कहां तक फैल चुका है। शहर का हर कोमा वार्ड पूरी तरह भर चुका है। घबराओ मत कमल, सब ठीक हो गया है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमारे इलाके में कदम रखो। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। तुम एंशिएंट वन का साथ क्यों छोड़ना चाहते हो? क्योंकि उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया है। बच्चों की तरह मैं भी तुम्हें यहां कैद कर सकता हूं, और बच्चों की ही तरह डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे भी आजाद करवा लेंगे। तो बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मोर्डो, कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है डॉर्मामू अपनी चाल चलने वाला है। मोर्डो, हमें जल्दी से तुम घायल हो? मैं ठीक हूं। मोर्डो को क्या हुआ है? वो डॉर्मामू का साथी बन गया है। अदीना, वो जीव हमारे पीछे आ रहे हैं, तैयार हो जा।
हदीना साथ दो। लगता है तुमने अपनी सही जगह ढूंढ ली है मोर्डो, डार मामू के गुलाम की तरह। महान मास्टर, नहीं 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 मेरे महान मास्टर, नहीं। वोंग, हमें मोर्डो को ढूंढना होगा। तुम्हें उसे और उसके मास्टर को ढूंढने के लिए अगमोटो की आग की जरूरत पड़ेगी। पर यह तो सॉर्सरर सुप्रीम की है ना? सही कहा, इसकी मदद से तुम उस ताकत को खोल सकते हो जो तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। नहीं, मैं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। और शायद इसीलिए यही तुम्हारी किस्मत है। फैसला हो ही गया और अब वक्त है उस फैसले को बदलने का। इसके पहले मैं महान मास्टर का बदला लेकर रहूंगा। असली मास्टर के सामने अपना सिर झुका स्ट्रेंज। मेरे मास्टर मर चुके हैं और जल्द ही तेरा भी वही हाल होगा। तुमने मुझे निराश किया। Oh!
वोंग, जाओ स्टीवन, अब बस तुम ही बचे हो। डोबामो को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। दरवाजा खुल चुका है, अंधेरे में फैल जाओ, हमला करो, मारो, खत्म कर दो, क्योंकि अब ये दुनिया हमारी है। तुम कौन हो? मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हूं, सॉर्सरर सुप्रीम। तुम एक बच्चे हो जो मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये लो। स्टीवन, मेरी बात सुनो, डोरमामू पूरी तरह जादू से बना है, उसको मारने के लिए तुम्हें उसी का इस्तेमाल करना होगा। असली जादू, असली जादू। तुम खुद को सबसे ताकतवर मानते हो तो तुम्हारी ताकत मुझे दे दो, सब की सब। नहीं, ये नामुमकिन है। मेरा ये मतलब तो नहीं था, पर बढ़िया काम किया स्टीवन। वो जीव, वो अब भी बाहर घूम रहा है, और हमारे लिए अब भी बहुत सा काम बाकी है। स्टीवन, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं पहले वाला स्टीवन नहीं रहा। सुनकर खुशी हुई, पर तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? तुम हमेशा यहीं तो आती हो जीना। एक मिनट, तुम्हारा हाथ, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये कैसे? बहुत लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सही थी। मुझे दुनिया को वापस देना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी स्टीवन। Thank you.
तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं। तलाश कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। मुझे ऐसे कई लोग मिले हैं जो हमारे काम आ तौर पर एक क्लिया नाम की लड़की है,